तो उसका जज जो था, द चीफ जज ऑफ द ईडी कोर्ट, उसका नाम था मनमोहन सिंह, वो सिख था. तो उनने जब इल्जाम लगाया था कि टेररिस्ट है, टेररिस्ट बयान देता है, लोग को बोलता है, भड़काली बयान देता है और टेररिज्म फैलाता है, तो जज ने कहा कि आपको शायद पता नहीं, मैंने सैकड़ों जाकिर नाइक के लेक्चर देख चुका हूँ, आप मुझे एक लेक्चर बताओ उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक का, इन कॉन्टेक्स्ट उनने टेररिज्म को प्रमोट किया है, और मैं उनके पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर जब्त लगाने का ऑर्डर दे दूंगा. सही, सिर्फ एक नहीं, तो चुप हो गया. तो उनने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान देखे? तो लॉयर बोला नहीं देखा मैंने. तो आपने जब सुने ने ऑन पे एग्जाम लगा रहे, कम से कम सुनो तो सही. अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी जैसा मैंने कहा 3,800 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है. इट इज 9.5 लाख तकरीबन एकर लैंड है. इसके अंदर हजारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हजारों कब्रिस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज है. बहुत सारे दोस्त का कमेंट आया कि प्लीज सैकंड पार्ट जरूर लैके आओ. तो नादर अली जी का पॉडकास्ट है जी, तो जिदा कि तुम देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जी पॉडकास्ट इंटरव्यू चल रही सारी, बहुत वधिया गलबात की उन्होंने पहले पार्ट के. सो सैकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जी. जिहड़े दोस्त पहले चैनल पर आए हैं, चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो, लाइक शेयर तो कमेंट करके दस्या करो वीडियो किदा लग रही, तो होर किस वीडियो रिएक्शन वीडियो चाहते हो सानू जरूर दस्या करो, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखियो. तो काफ़ी इंट्रस्टिंग जो पॉडकास्ट बन रहा है, तो आखिर तक देखोगे तो तुम्हें होर इंट्रस्टिंग लगेगी वीडियो सारी. पहले पार्ट में वो अपनी लाइफ बारे दसते हैं कि मेरा जन्म कितने होया, बंबई च जन्म होया, मैं उत्थे पढ़ाई की है ना, तो उन्होंने ये भी दसिया कि मैं इंडिया च किदा किदा रहिंदे सी, ते असी इंडिया नू याद किन्ना क करदे आ, ये भी दसिया. तो बाकी उन्होंने जेडे अपने दसदे पे ने कि इंडिया दे विच ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਜਲਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ. ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਹੋਇਆ ਥਾ, अभी क्या है थर्सडे, तो 4 या 5 दिन पहले मैंने मेरे लाइफ क्यूएनए में कहा, आज डॉक्टर जाकिर में, तो अभी इंडिया मीडिया में ऑफिस से आ गया, डॉक्टर जाकिर ने एक भड़की दे अब बयान दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ. शुरू हो गया. नहीं, वो डॉक्टर साहब जवाब नहीं मिला मुझे कि जब आपने उनको जवाब दे दिया जो इंडियन ऑफिशियल्स आए थे, तो उनका क्या रिएक्शन था, वो फिर उठ के चले गए? उस टाइम तो बाद में मेरे कॉन्टेक्ट में थे ना, उधर गए तो एकदम अच्छे से गए, अभी आप अभी ग्रीन सिग्नल दे दे, आप वापस इंडिया आ सकते. हाँ, ये तो उम्मीद थी ना, लेकिन मैं मेरे मुल्क के लिए जो भी जायज है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. यस, मोदी ने अगर कुछ प्रॉब्लम किया है उनसे इख्तलाफ हो सकता है, जगह से नहीं है. India is in terms of amongst the non-Muslim countries in the world, one of the best. Achha, non-Muslim country. Most of Muslim countries are better. Sahi. Alhamdulillah. वो एक अलग subject है. अब India आप नहीं जाएंगे? ना, अल्लाह चाहो तो क्यों नहीं, अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो next government अगर just रहेंगे तो जरूर जाऊंगा मैं. क्योंकि अभी तक के I have not been convicted. जब Indian government ने file की मेरे खिलाफ court के अंदर, मेरी पूरी property को जब्त कर लिया, तो हमने उनको कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की. तो उसका जज जो था, द चीफ जज ऑफ द ईडी कोर्ट, उसका नाम था मनमोहन सिंह, वो सिख था. तो उनने जब इल्ज़ाम लगाया था कि टेररिस्ट है, टेररिस्ट बयान देता है, लोग को बोलता है, भड़काली बयान देता है और टेररिज्म फैलाता है, तो जज ने कहा कि आपको शायद पता नहीं, मैंने सैकड़ों जाकिर नाइक के लेक्चर देख चुका हूँ, आप मुझे एक लेक्चर बताओ उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक का, इन कॉन्टेक्स उनने टेररिज्म को प्रमोट किया है, और मैं उनके पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर जब्त लगाने का ऑर्डर दे दूंगा. सही, सिर्फ एक नहीं, तो चुप हो गया. तो उनने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान देखे? तो लॉयर बोला नहीं देखा मैंने. तो आपने जब सुने ने ऑन पे एग्जाम लगा रहे, कम से कम सुनो तो सही. तो हिस्टोरिकल जजमेंट था, तो उसके ऊपर स्टे आ गया.
बस्ती आने की वजह से हम उनको बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी को रेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आपको पता है अगर कोई जज, उस टाइम मोदी का काफी पावर अभी भी है, जुडिशरी है नहीं, जरा ज्यादा तो जुडिशरी भी डरने लगी। आपने बयान उनके, अगर आपने फैसला उनके हिसाब से नहीं किया आपको ट्रांसफर कर लेते आदमी, तो इंटरफेरेंस बहुत है, ये अभी कम हो गया। तो ये जो आप बोल रहे मोदी का जो पावर है अभी, ये अमेंडमेंट बिल क्या हो गया, जब उनने टेबल किया ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, तो पार्लियामेंट हैड टू पुट इट टू अ जुडिशरी पार्लियामेंट, आप समझे ना, और बोले जिसको ऑब्जेक्शन है 13 सितंबर इज डेडलाइन, 13 सितंबर तक जो मुसलमान को बिल पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन करो, तो ये जुडिशरी पैनल हो गया। तो मैंने मेरे बयान में क्या और एक पोस्ट किया, क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए? अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है, हाथ से निकल गई। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी जैसा मैंने कहा 3,800 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, इट इज 9.5 लाख तकरीबन एकर लैंड है, इसके अंदर हजारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हजारों कब्रस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज है, आराम से हाथ से जा सकती है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुसलमानों से, अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएंगे, आपको रम बेशक, ये हमारा फर्ज है। अगर हमारे बाप दादा ने, परदादा ने वक्फ किया है तो हमारे बेहतरी के लिए, और हम सो रहे हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा आप जाके ऑब्जेक्शन रेज करो, और अगर 2.5% मुसलमान भी, हमारी आबादी 210 मिलियन है, 210 मिलियन है, 21 करोड़ अकॉर्डिंग टू PW रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट, अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। तो क्योंकि मैं मुसलमानों को कह रहा था ऑब्जेक्शन लो, तो ये गोदी मीडिया को आप देखेंगे, अभी शुरू हो गया, मैं कल परसों देख रहा था, ओ डॉक्टर जाकिर नायक इज इंसाइटिंग हेट, मोर इंसाइटिंग हेट, मैं हक मान रहा हमारा, इफ आई एम ट्राइंग टू गाइड द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप ये बिल को रिजेक्ट करो तो ये अमेंडमेंट बिल रुक जाएंगे और मुसलमान का फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, दीनी माहौल में, इसका क्रेडिट आपकी वालदा को जाता है या वालिद को जाता है, किसको जाता है? वहाँ से वो लोग भी माहौल में थे या आप निकले हैं घर से और आपने एक लेगेसी कंटिन्यू की है, ये क्या हुआ बताइए? जहाँ तक कि घर का माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल काफ़ी इस्लामिक था, था, लेकिन वालदेन ने कभी भी हमें फोर्स नहीं किया, कभी भी फोर्स नहीं किया कि नमाज पढ़ो, कहते थे लेकिन कभी ज़बरदस्ती नहीं की। ठीक है। तो हम जब स्कूल में था तो बचपन से याद है मुझे कि मैं नर्सरी के अंदर या जूनियर के जी में रोज़ा रखा है, लेकिन पूरा महीना मैंने पूरा किया सेकेंड स्टैंडर्ड में एट द एज ऑफ 7। तो 7 साल की उम्र में सबसे पहली बार मैंने पूरा रमज़ान रोज़ा रखा, उससे पहले एट द एज ऑफ 4 या 5 मैंने 5-10 ऐसे रखा हूँ। और जहाँ तक कि नमाज पढ़ने का सवाल है, तो मैं मेरे वालदेन को देखता था, तो मैं नमाज पढ़ता था, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार, कभी दिन में 4 बार, लेकिन कभी वालदेन ने ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन लोग पढ़ते तो मैं भी पढ़ता था। स्टैंडर्ड 7 या 8 के अंदर है जब मेरे वालदेन की एक सहेली थी जिसने मुझे कहा कि बेटा आप जब नमाज पढ़ते, 5 टाइम पढ़ते, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार। तो उन्होंने कहा कि आप जब नमाज पढ़ेंगे तो अगर आपने नमाज पढ़ी असर की तो अल्लाह से दुआ करो कि आपकी मगरिब मिस ना हो, जब मगरिब की नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के बाद दुआ करो कि ईशा मिस ना हो, ईशा की जब नमाज पढ़ेंगे दुआ करो कि फजर मिस ना हो, और फजर के बाद दुआ करो कि जोहर मिस ना हो, जोहर के बाद असर मिस ना हो, ये 40 दिन तक की, अगर उसके बाद आपको अगर जितने बार पढ़ने के पढ़ो। तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह 40 दिन तो पूरे करूँगा मैं, 40 दिन करने में क्या है। वाह। तो उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं 40 दिन अगर आप नमाज को नहीं छोड़ोगे ना तो फिर 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, नमाज पकड़ लेगी आपको, ये एक आदत होती है, बन जाती है। तो 7वीं में था मैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, उस टाइम से माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज। तो जहाँ तक कि घर का माहौल इस्लामिक था, लेकिन इट वॉज ओपन, लाइक अब्बा अम्मी ने हमको फ्रीडम दिया था, जो आपको सही लगे कहो, वो गाइड करते थे, लेकिन
एक एवरेज मुस्लिम जो करता है, पांच टाइम माशाल्लाह पढ़ते थे फ्रॉम द एज ऑफ सेवन, स्टैंडर्ड सेवन से, एज ऑफ थर्टीन से रोज़ा रखते थे, माशाल्लाह हज भी किया था, तो माहौल वैसा जो एवरेज मुस्लिम अच्छा, लेकिन दावती मिजाज नहीं था मेरे ज़िंदगी में। मैं 1987 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में था, तो उस वक्त मैंने शेख अहमद इदा से मुलाकात की। वाह, तो मेरे वालिद का शौक़ था माशाल्लाह, वो कई उलमा से हमेशा रब्ता में रहते थे, और उनका मिजाज था कि ओपन माइंडेड थे, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सलफी हो। वाह, मुख्तलिफ इख्तलाफ राय रखते थे, लेकिन एक तरीके से मतलब सारे भाई ने, वो माशाल्लाह मेरे वालिद का जरा अलग ही मिजाज था। अच्छा, ये आपको सही लगता है करो, मुझे ऐसा लगता है, तो वो कभी भेद में नहीं पढ़ते थे, और वो अलहमदिल्ला कि भाई हमें पाँच नमाज पढ़ो ये करो सही। तो अहमद जिदा साहब आए थे बम्बई में 1987 में, सही, तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलने आते, उस टाइम मैंने एक आध कैसे देखा तो मतलब क्या मिलने का, तो लेकिन वालिद ने कहा इसलिए मिलने गया मिलने के लिए, और जब मिलने गया मेरे भाई के साथ, तो मेरे भाई ने कहा कि आपका लेक्चर रखते कल, तो उन्होंने बोले अभी रात का टाइम है, कल रात को मैं जा रहा हूँ, हार्डली 20 घंटा कैसा रखेंगे आप, अच्छा ठीक है। तो हमने पहले बार ऑर्गेनाइज किया शेख अहमद दीदात का लेक्चर विदाउट एनी मीडिया पब्लिसिटी, क्योंकि रात को तकरीबन 11-12 बजे उन्होंने हाँका, और नेक्स्ट डे 7 बजे शाम को प्रोग्राम था, तो प्रेस में देने का टाइम नहीं था, तो वालिद ने फ़ोन करके माशाल्लाह अपने कॉन्टैक्ट के लोग से बुलाया, तो वो प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था शेख अहमद दीदात। उसके बाद वो लाइव प्रोग्राम देखने के बाद मैं अहमद दीदात का फ़ैन बन गया, उसके पहले मैं फ़ैन नहीं था। सही, और अहमद दीदात को मिलने के बाद फिर हमने उनको वापस से बुलाया तकरीबन 7-8 महीने बाद, और 18 दिन के लाए थे इंडिया में, और उनके काफ़ी प्रोग्राम हमने रखे बॉम्बे में, और वो जब ऑर्गेनाइज किए तो उन्होंने पूरा सेट दिया था मुझे, लेकिन वो आने के पहले मैंने काफ़ी कैसेट उन्हें देख चुका था, उसके बाद मैं उनका फ़ैन बन गया, और मैं उनको इमिटेट करने लगा। और मेडिकल कॉलेज में जब मैं दावत करता था तो मेरे मुसलमान दोस्त काफ़ी कम होते, हार्डली मे बी 4% होते थे मुसलमान इन द मेडिकल कॉलेज, तो भाग जाते थे, बोलते कि आखिर के साथ तो पिटवा देंगे हमें। तो मैं हमेशा कहता था कि, और वो कहते थे कि आप अगर दावत करेंगे अपने प्रोफेसर से वो आपको फेल करेंगे, तो मैं कहता था अगर मेरे प्रोफेसर मुझे फेल करेंगे तो मुझे और एक साल मौका मिलेगा उनसे दावत करने का। तो मेन जो अगर क्रेडिट जाता है जो रुख को बदलने का मेरे दावती मैदान में, दीनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालदेन थे लेकिन मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं किया। दीदार साहब को मिलने के बाद दीदार साहब ने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल कर दिया, तब्दील कर दिया। वाह, डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल, क्या बात है भाई। अल्लाह जिस्म का तबीब था, डॉक्टर था, अब रूह के, उसके बाद रूह का तबीब बन गया। और जो मजा मिलती थी अगर कोई पेशेंट को क्योर करने में, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता था कि मेडिकल प्रोफेशन इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इसीलिए मैंने चुना कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे भाई भी डॉक्टर थे, उन्हें जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मैं समझता था कि एक मेडिकल डॉक्टर, एक तबीब सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। जब दीदार साहब के पास मिलने के बाद मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन कौल मिम्मन दुआ इलल्लाह व अमिलु सालिहन व क़ाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। Who is better in speech than one who invites for the way of the Lord, works righteous and says that I am a Muslim. कौन बेहतर है स्पीच में, वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, who invites for the way of the Lord, and और वो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो कुरान मजीद में कहा गया है, वो एक दाई का, लोग को इस्लाम की तरफ बुलाना। और दाई मौजिद खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब दाई, डॉक्टर साहब की वाइफ दाई, डॉक्टर साहब के बेटे दाई, डॉक्टर साहब की बेटियां दाई, और मतलब एक पूरा ख़ानदान आपका माशाल्लाह दाई सिस्टम पे है, और लेगेसी कंटिन्यू हुई भी है। सर अल्लाह आपको इस्तकामत दे इस चीज़ पे, तो माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है दीन के हवाले से, अल्लाह ने बहुत काम मजीद लेना है। आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान में आपको कितना प्यार किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको डॉक्टर साहब अंदाज़ा है? आप यकीन करें, मैं एयरपोर्ट पे आया, कहाँ जा रहे हैं नाज़िम भाई, मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ पॉडकास्ट, डॉक्टर साकिर अच्छा यार मेरा सलाम देना, मेरा ये सवाल करना, मुझसे ये, एवरीवन इज
मतलब एक्साइटेड किसी भी फिरके से आपके लिए एक्साइटेड था कि डॉक्टर साहब के लिए भाई वाह वाह इंसानी कंप्यूटर मतलब डॉक्टर साहब है भाई फला फला ये 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 यहाँ से ये कंपैरेटिवली रिलीजन को जो स्टडी किया है वो आप अल्लाह ने आपसे बहुत काम लिया उस चीज़ पे पाकिस्तान कब आ रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान में जिंदगी में एक बार आया था 1991 में जब मैं दावती मैदान में कदम रखा था लेकिन इतना फेमस नहीं था तो दीदा साहब से मुलाकात हुई थी 1997 में वो 88 में लेक्चर किए से दीदा साहब के बाद में मुतासर हुआ डॉक्टर इसरा अहमद तो पाकिस्तान का मेन मकसद था डॉक्टर इसरा अहमद से मिलने का क्या तो दीदा साहब से जब मुतासर हुआ तो मैं कसर देखने लगा उनके वजह से बाकी मौलाना बाकी मुकर्रर की तकरीर देखने लगा तो उर्दू में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो थे डॉक्टर इसरा अहमद तो दीदा साहब अंग्रेजी में थे और डॉक्टर इसरा अहमद तो उनकी मफ़रत करें क्या अल्लाह फिरदौस आमीन तो 1991 में मैं पहली बार आया था उस टाइम तकरीर नहीं करता था अच्छा उस वक्त आप मेडिकल के मेडिकल में जस्ट पास कर चुका था इंटर्नशिप कर रहा था और हमारे फाउंडेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कायम की थी मशहूर भी नहीं हुए थे मतलब आप नहीं लोग जानते नहीं थे तो डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल है इतना ज्यादा आपको एक नहीं जानते डॉक्टर साहब से क्योंकि मैं कहा था मैं आने वाला हूँ तो कौन शख्स से मिलना चाहते फिर मैंने कहा कि मेरा एक जुनून है कि जितने भी इस्लामिक कैसेट्स थे उन्हें इकट्ठा करें और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बने सही तो मैंने कहा उनको कि जितने भी आपकी कैसेट्स सब कैसेट्स हो ऑन द स्पॉट है ही नहीं हम तो कुछ लोग जो मांगते थोड़े मौजूद है लेकिन उनके सैकड़ों वीडियो कैसेट्स थे तो मैंने बोला मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ और अच्छी उमदा जैपनीज वीडियो कैसेट VHS चलते थे उस टाइम उन पर आप रिकॉर्डिंग करो तो उन्होंने बोला अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे सब कैसेट चाहिए तो मैंने कहा जितने शिकागो में आपके कसरे सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ कराची आपके सेंटर में से ले चुका हूँ अभी आपके लाहौर ब्रांच में से सब लेना चाहता हूँ तो और डॉक्टर साहब से काफ़ी मुतासर था तो जब मैंने कहा उनसे कि आपका क्या मकसद है आने का मैं बोला आपसे मिलने का मकसद था और यहाँ इस्लामिक इदारे देखना चाहता हूँ और वो बड़ा शौक था कि वर्ल्ड वाइड जितने इस्लामिक इदारे हैं जितने स्कॉलर्स है जितने दाई है जितने मुबल्लिग है उनसे मिलके गुफ्तगू करना और इल्म हासिल करना तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे इस्लाम नहीं मिलेंगे और आप उनके तकरीर सुनेंगे तो पता हो कितने कितने नाराज थे कि मुसलमान दीन से क्यों दूर है मुसलमान कुरान से क्यों दीन है सर बहुत और उनने जो एक 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 गाइडेंस मुझे दिया कि उन्होंने कहा कि दाई को हमेशा अपनी और जो जरूरत है उसे कम कम करना चाहिए एकदम कम वाह वाह जरूरत कम करो ताकि आपको जिंदगी बसर करने के लिए आसानी मोहताज ना हो मोहताज ना हो और अगर आपको कोई चीज कहने का इस्लाम के बारे में डंगे के चोट पे कह सकते हैं आपको किसको ख्वाहिश को पूरी करना किसको फ्लैटर करने की जरूरत नहीं बिल्कुल सही है और ये जो उनने ज़ोहद ज़ोहद का काइंड जो एडवाइस दिए और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफी नवाजा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कभी तकलीफ में जैसे आप कह रहे थे कि मेरे वालदे ने जब मैंने कहा उनको कि क्या मुझे दाई बनने का है तो वालदे ने बोला नो प्रॉब्लम तो मैंने कहा अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं करने वाला हूँ PG तो 2 घंटा मैं करूँगा हफ्ते में नो प्रॉब्लम फिर मैं बोला दिन में 2 घंटा करने का उन्हें बोले नो प्रॉब्लम फिर बोला 50-50 दावा 50% मेडिकल प्रैक्टिस बोले नो प्रॉब्लम वाले साहब क्या करते थे वाले साहब भी डॉक्टर थे अच्छा वो भी डॉक्टर थे वाले साहब साइकेट्रिस्ट थे माशाल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे तो फिर मैंने कहा कि हम 50-50 बोले नो प्रॉब्लम फिर बोले 2 घंटा मेडिकल प्रैक्टिस करूँगा बाकी दावा करूँगा बोले नो प्रॉब्लम और ये सब ऐसा नहीं कहा 2-2 साल के बाद हुआ 2-2, 3-3 महीने बाद तो 1.5-2 साल में मैने कहा वालदे से कि मुझे 100% दावा करने बोले नो प्रॉब्लम तो पूरा सपोर्ट था उनके पास उनका सपोर्ट था तो मुझे कोई जहाँ तक कि मेरी फाइनेंस का प्रॉब्लम ही नहीं था जब मैं डॉक्टर इसरा अहमद साहब से मिला तो उन्होंने कहा अपनी ज़रूरत को कम करो और ये मैं पहले बोल चुका आपको लेकिन उनने कहा कि आपको दोनों में से चुनना पड़ेगा दुनिया या दीन नहीं इधर मेडिकल अगर आपको माहिर अच्छा, बनने का है हाँ। इधर मेडिकल डॉक्टर या अदाई दाई इस्लाम में तो दीन और दुनिया दोनों है एक वाहिद मजहब है जिसमें दोनों इम्पोर्टेंट वाह 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 लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट बनने का है उनने कहा कि मैं 7 साल कोशिश किया मेडिकल डॉक्टर था और दावत भी करता था अगर एक फील्ड में माहिर बनने का दोनों में से एक चुनूँ तो वो मेरा एक मकसद था जब मैं वापस गया उस टाइम मैंने वाले से कहा
मुझे 50-50 करने का है, फिर मैंने फुल कहा। तो ये जो मेरा पीरियड था आफ्टर पासिंग में MBBS, और ये तकरीबन एक से डेढ़ दो साल था जब मैं करने वाला था पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैं ड्रॉप कर दिया। तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर इसाम साहब का काफ़ी बड़ा हाथ था इसमें। क्या मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को मैं जल्दी छोड़ा, हो सकता था कि और मैं टेस्ट करता था। और वालदेन की तरफ से पूरा सपोर्ट था, वालदेन की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि आप अपने फिक्र मत करो, आपके लिविंग का फिक्र मत करो, आप फुल टाइम दाई बनो, हम आपको सपोर्ट करें। डॉक्टर इसराम के बाद उस मुलाकात के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई जब आप माशाल्लाह फेम पा लिया आपने, इतने बड़े पब्लिक फिगर। 91 में मुलाकात हुई थी, उनके बाद हमेशा टच में थे, टच में थे। और फिर हमने उन्हें 2004 में, ईयर बराबर आई थिंक 2004 के करीब है, हमने उनको इनवाइट किया था इंडिया में, आए थे इंडिया में, इनवाइट किया हमने 2004 में, और वो आए थे। और हमने माशाल्लाह लॉफ्ट में हमारा लेवल ज़रा कुछ दूसरा था, तो दीदा साहब को पहले हमने ऑर्गेनाइज किए थे लेक्चर, तो हमें तजुर्बा था बाकी काफ़ी। लेवल कुछ और का मतलब वो हद नज़र पब्लिक ही पब्लिक, कैमरा दिखाई नहीं पा रहा। नहीं नहीं, हमारा उस टाइम जब हम दीदा साहब को बुलाए तो दीदा साहब बहुत मुतासर थे। दीदा साहब ने सिर्फ एक चीज़ कहा, देखो बेटा मुझे अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। अच्छा माइक्रोफोन चाहिए, तो हमने लिखा है और बहुत खुश हो गए। अभी हम सोचते हमने क्या बकवास माइक्रोफोन चाहिए दीदा को दिया, तो लेवल की बात होती है, वो तो बहुत खुश थे। फिर हम डॉक्टर इसाम साहब को बुलाए और डॉक्टर इसाम का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे किए, वो तो बहुत खुश थे। बोले इतने मैंने इतने लेक्चर टूर किया दुनिया भर में, इतना अच्छा मेरे जिंदगी में नहीं हुआ, सुभान अल्लाह। वो कभी थी 2004 टाइम हमारा लेवल, मेरे हिसाब से अभी बोलता, उस टाइम हम बहुत खुश थे। उनने कहा कि हमें 10 दिन एक ही वेन्यू पे लेक्चर, बोला डॉक्टर साहब बम्बई इतना बड़ा है, एक लेक्चर यहाँ दो, दो यहाँ दो, इतने देने मेरा मकसद है एक पे दो। मैंने पब्लिक एक 10 दिन तक कैसे आएंगे, और माशाल्लाह मशहूर थे दीदा साहब के लिए तो पब्लिक थी। तो हमने उस टाइम बड़े एक मैदान में की जिसकी कैपेसिटी 10,000 थी, और माशाल्लाह पूरे 10 दिन माशाल्लाह पब्लिक थी। वो रिकॉर्डिंग हमने किया था, हमने स्टेज के लिए हमने पैसा खर्चा किया, और डॉक्टर साहब तो एकदम इतना पैसा खर्चा किया, इतना लेवल का किया, और हम भी खुश थे। अभी सोचते इतने बड़े शख्स के लिए हमने इतना कम खर्चा किया, हाय हाय वाह, लेवल लेवल की बात है। क्या बात है। तो हमें पता है कि हम तो दीदा साहब के लिए हमने बाहर से VHS पे रिकॉर्डिंग किए थे, उस टाइम बहुत खुश थे क्योंकि उस टाइम हमारा बेस्ट था। तो अल्लाह ताला ये देखते हैं कि आप मेहनत कितनी करते हैं, माशाल्लाह हमारी मेहनत तो नियत कुछ छोड़े नहीं हमने। और जब इसमें साहब आज 10 दिन की एकदम स्टेज बनाए, स्टेज के ऊपर सिर्फ स्टेज को सेटिंग करने के लाख रुपए खर्चा किए उस वक्त तो उस टाइम तो हमारा और IRF वगैरह इदारा बन चुका था, अच्छा बन चुका था, और पीस टीवी बन चुका था 1991 में जब मैंने मिलने गया था, ठीक है। और दीदा साहब को मिले 1997 में, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च हुआ 1990 में, रजिस्टर हुआ और 1991 में इनॉग्रेट, उसके बाद में डॉक्टर इसा साहब को मिलने गया, सही बन चुका था। और पीस टीवी 2006 में, तो दीदा जिसले जब हमारी मुलाकात हुई थी उस टाइम पीस टीवी कायम नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तो जब डॉक्टर इसामा साहब आए थे इंडिया में 2004 में, पीस टीवी ने देखा लेवल फर्क था, हाँ समझे ना, सही। तो अगर टेलीविजन को हटा देंगे तो लेवल बहुत अच्छा था, लेवल बहुत अच्छा था, एक वन ऑन वन ठीक है। लेकिन जब पीस टीवी आने के बाद, पीस टीवी की जो तरक्की हुई अल्लाह ताला की मदद थी, वो लेवल कुछ और हो गया, फिर वो अलग लेवल था। लेकिन उस टाइम ने प्रोग्राम किए थे, उस टाइम 10,000 पब्लिक 10 दिन के लिए, तो रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड था और डॉक्टर इसराम साहब के लिए भी रिकॉर्ड था बेशक। ऑफकोर्स उनको बुलाए तो काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट में, बिकॉज पाकिस्तानी थी तो काफ़ी कंप्लेन हुए। फिर कुछ शख्स ने जो उनके गौर फिक्र के खिलाफ थे, कंप्लेन भी की पुलिस में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद थी, वो सॉल्व हो गया। और उनका दौरा काफ़ी तकरीबन एक महीने तक, एक महीना तकरीबन यहाँ से फिर बैंगलोर गए, काफ़ी जगह खुश गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया बहुत, उसके बाद फिर हम उनको दिखाने लगे हमारे केबल टीवी के ऊपर, केबल टीवी तो पहले से दिखाते थे। और फिर पीस टीवी कायम हुआ 2005 में, हम छूटे इसलिए डॉक्टर इसाम साहब 2002-2003 या 2004 में, एग्जैक्ट डेट पता नहीं, 2003 या 2004 में आए थे। फिर पीस टीवी कायम करने का इरादा हुआ मेरा 2005 में, उसके बाद पीस टीवी चैनल इन्होंने शुरू किया है ना, बड़ा फेमस चैनल है। मैं जवाब दे दूं, आपने कहा पाकिस्तान गए क्या,
तो पाकिस्तान 1991 में सबसे पहली बार आया। उसके बाद आने के बाद इतनी इंक्वायरी हुई मेरी, क्यों गए थे, क्या गुस्सा में, कुछ जानता भी नहीं था मुझे। अच्छा, पाकिस्तान के क्यों गए, किससे मिले, क्यों मिले, अलहमदुल्ला कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो जब दावती मैदान में मैं उतरा तो बट नेचुरल, बिकॉज मैं इंडिया में रहता था, मैं अगर पाकिस्तान फिर से विजिट करूँ तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाते थे, बहुत से मुश्किल आते थे गवर्नमेंट की तरफ से एलिगेशन, ऐसे एलिगेशन जितने मुसलमान एक बार मशहूर हो जाता है, लोग कबूल करने लगते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है पॉसिबिलिटी। तो इन्विटेशन मुझे सबसे ज्यादा दुनिया में, अगर मैं 2016 को मैं छोड़ा, मैंने इज्जत की इंडिया से मलेशिया, तकरीबन उस वक्त 5,000 इन्विटेशन थे दुनिया भर से आने के लिए, जो मैं एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सेप्ट क्या अलग बात है, पेंडिंग। उसमें से तकरीबन 500 सिर्फ पाकिस्तान से, 500। और उस टाइम जो इन्विटेशन होता था बट नेचुरल तकरीर के लिए मैं जो आते थे, लेकिन मैं बोला अभी आना तो मुश्किल है, इंशाल्लाह टेलीविजन की सुन जाएंगे तो टेलीविजन शुरू हो गया। इस पार्ट विच इन्होंने डॉक्टर इजरार अहमद बारे दसिया, उन्होंने किद्दां मिले है ना, किद्दां किद्दां प्रोग्राम करवाए, तो उन्होंने जो चैनल अपना शुरू किया, जिहड़ियां रिकॉर्डिंग स्कॉलर्स दियां चलांदे सी अपने चैनल ते, उस बारे चर्चा की, तो उन्होंने जिहड़ी अपनी फैमिली की सपोर्ट बारे भी दस्या। ये सानू भी पता लगता कि जो डॉक्टर जैकर नायक ने उन्होंने स्टडी कितनी वधिया हुई है, उन्होंने फैमिली की जो बैकग्राउंड आ, उन्होंने सारे ने कितनी स्टडी वधिया की है, जो कि सारे डॉक्टर लाइन च दाई दे लाइन च है ना सारे जने, सो वधिया उन्होंने स्टडी है सारी फैमिली की। सो फिर उन्होंने अपने दसे ने कि जिमें उन्होंने स्कॉलर किदा पसंद करते हैं, दो स्कॉलर दसे कि कोई इंग्लिश स्कॉलर ने, सो जे दूसरे उर्दू के स्कॉलर ने जिन्होंने पसंद करते थे वह सके इजरार अहमद जी, ठीक है। उन्होंने साढ़े यूट्यूब चैनल उत्ते वीडियो पई हुई काफ़ी, तुम जाके चैकआउट कर सकते हो, बहुत वधिया वीडियो बनाई हुई सी। और इन्होंने दसिया कि जो मैं मतलब स्कॉलर बनना ही तो मेरे फैमिली की सपोर्ट मेरे नाल सी, ते मैनू एक पासे जिहड़ा फोकस करन दी गल है डॉक्टर इजरार अहमद साहब ने कही सी कि एक पासे फोकस करो, फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस लाइन में जाना है, ते बहुत वधिया इंस्पायरिंग लाइफ है इन्हां दी। उन्होंने एक मनमोहन सिंह जी की गल की, ये जो जज सी उस टाइम जदों इन्हां दे उत्ते मतलब सरकार वालों शायद कोई केस हो गया सीगा है ना, तो उन्होंने कहा सीगा कि वकील नूं पुछिया सीगा कि तुसीं दसो कि इन्होंने जजमेंट या कोई इन्होंने कोई बयान इदा दिता है जिहड़ा कि टैरस नूं प्रमोट करता या किदां भी सीगा है ना। सो उन्होंने स्पष्ट गल कही है भी मैं इन्हां दे सारे लैक्चर सुने ने, मैनूं कोई इन्हां दी कोई भी बयान गलत नहीं लगा। सो जिद्दां कि इन्होंने अपने बयान च दस्सिया कि मैनूं स्टे मिल गई सीगी, ते बाकी होर भी इन्होंने वीडियो दे विच बहुत वधिया वधिया गल्लां कीतियां ने। बाकी तुसीं दस्सो तुहानूं इह वीडियो किदां लगी आ, इन्हां दा सैकंड पार्ट सीगा, सो आपां इन्हां दा थर्ड पार्ट लैके जरूर हाजिर होवांगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी सीगी, सो ये दो पार्ट दे विच बनाई आ, थर्ड पार्ट जरूर आपां लैके हाजिर होवांगे जल्दी। जिन्हां ने वीडियो आखिर तक देख ली आ वो वीडियो लाइक शेयर तक कमेंट जरूर करो, चैनल सबसक्राइब कर लियो। सो अज लई इन्ने दोस्तों, फिर मिलांगे इक होर नवीं वीडियो नाल। सत श्री अकाल।